आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना अफजलगढ़ क्षेत्रांतर्गत कस्बा अफजलगढ़ के मोहल्ला बेगमसराय निवासी अजीम उर्फ ज्योति किन्नर की उसके ही पति सद्दू उर्फ शादाब द्वारा आपसी विवाद के चलते तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और मौके से फरार हो गया था, जिसमें आसवाड़ टीम द्वारा स्थानीय पुलिस ने आरोपी पति सद्दू उर्फ शादाब को तमंचा सहित गिरफ्तार किया है। SP डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि थाना अफजलगढ़ के कस्बा अफजलगढ़ के मोहल्ला बेगमसराय के एक किन्नर महिला की उसके पति द्वारा 3 दिन पूर्व अवैध तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें आज सेवा टीम द्वारा स्थानीय पुलिस ने आरोपी को तमंचा सहित गिरफ्तार कर लिया है। इसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और अन्य विधि कार्यवाही कराई जा रही है। 13 अगस्त को अजीम नाम के एक महिला किन्नर की गोली मार करके अफजलगढ़ कस्बे में हत्या कर दी गई थी, जो बेगमसराय की रहने वाली है। इसकी हत्या उसी के पति ने सद्दू उर्फ शादाब ने किया था। यद्यप सद्दू ने दोस्त शादी किया था, दुबई विदेश यात्रा भी करता है। इसका विवाद पारिवारिक अंतर कलह, रुपए का लेन देन, 11 लाख रुपया लिया था मुस्लिम फंड में जमा करने के लिए, उसमें इसने खलक मलक किया। सद्दू एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसके खिलाफ 307 चोरी एक्सटार्शन के हत्या के आधे दर्जन से ज्यादा मुकदमे कायम हैं। तमंचे सहित इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है एवं इसकी हिस्ट्री शीट भी खोली जा रही है। इसके जो एसोसिएट मेंबर हैं जो इस कार्रवाई में लिप्त हैं, उनकी भी पहचान करके कार्रवाई कराई जा रही है।